Very good morning, dear students. Welcome to Professor S.P. Goyal's IS classroom. आज मैंने आपका मॉक टेस्ट डाला उस पर दोबारा टेलीग्राम चैनल पे. वो हूबहू वैसे सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपका वही एग्जामिनेशन में जैसे माहौल होगा वो क्रिएट करना चाहता हूँ, ताकि आपको किसी तरह का स्ट्रेस ना हो एग्जाम में और बड़े ही सीमलेस निकले आपका प्रिलिमरी. अब ये जितनी वीडियो मैंने बढ़ाई है प्रिलिमरी के लिए और मेन के लिए, ये सारी आपने देखनी है. हर वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पता नहीं किसमें से यूपीएससी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन चला जाए. दूसरा, आप मेरे एक्सपीरियंस का, 4 डिकेड का एक्सपीरियंस का, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का, वेल्थ ऑफ नॉलेज का, एकेडमिक एक्सलेंस का, इसका आप फायदा उठाइए. और रोजाना आपके कम से कम 1-1.5-2 घंटा मैं बचाता हूँ. मेरा टारगेट ये है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो आपको ना आए करंट अफेयर्स में, खासतौर पर उस स्टैटिक का भी मैंने शुरू किया है. जैसे एनवायरमेंट की मैंने कॉन्सेप्ट ली है कोरल रीफ पे, मैं क्वेश्चन वो डालता हूँ जो यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंड में आते हैं. जहाँ पे उसका माइंड काम करता है ना, उसका माइंड वहाँ काम करता है कि आपको वो 95% बच्चे उससे क्वेश्चन ना कर पाए. आपने प्रिलिमरी के 5 महीने आपके पास है करीब करीब, और 8 महीने है मेन के, इसको आप बैलेंस करो. प्रिलिमरी को छोड़ो मत. ये नहीं कि फरवरी मार्च में दुनिया भर का मेटेरियल पढ़ दिया आपने, उससे नहीं, सिस्टमेटिक अप्रोच से, फोकस अप्रोच से करो, जैसे मैं रोजाना बताता हूँ आपको. तो अब हम चलते हैं द हिंदू के क्वेश्चन पे. अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में जो ना, मैं आपको रोजाना 1-2 आर्टिकल देता हूँ. अब जर्मनीज डेट ब्रेक रूल, ये प्रिलिमरी में एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बहुत निकालता है. उनको पता है कि ये बच्चे इस तरह का अडोप्टेड नहीं है पढ़ने के लिए, डेट ब्रेक रूल ना ही ये जो है क्वेश्चन आपको किसी मटेरियल में मिलेगा. देखिए क्वेश्चन कैसे निकाला मैंने. डेट ब्रेक रूल और बैलेंस्ड बजट रूल किस कंट्री में है? कि बैलेंस बजट का मतलब कि आप बोरोइंग जो है जरूरत से ज्यादा नहीं कर सकते, कैप है. तो डेट ब्रेक रूल जर्मनी में, ये आपको पता होना चाहिए ऐसा. देन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट इज रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन, इसी में लिखा हुआ है. अब ये चैट जीपीटी पे एक क्वेश्चन आएगा. अब ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा कैसे, एग्जामिनर किस तरह से डालेगा. तो चैट जीपीटी, आप AI रेगुलेटेड चैट जीपीटी, ये आपको अच्छी तरह से सारे एंगल से इसको तैयार कर लो, क्योंकि 1-2 नंबर आपको मार्क्स मिलने हैं प्रिलिमरी में. अब इसमें मैंने निकाला है ओपिनियन पेज पे एलिजा इफेक्ट. व्हाट इज एलिजा इफेक्ट? एलिजा इफेक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड है, ये मैं पढ़ पाया हूँ इसमें. तो आपने फिनोमेनन को पढ़ना है, ये आपका कभी भी आ सकता है इस तरह का. अब ये स्विट्जरलैंड नॉर्वे के मिनिस्टर जो है डायलॉग कर रहे हैं के साथ. अब इसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने निकाले, EFTA का देखिए आप. विद रेफरेंस टू यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये आपने नहीं सुनी. द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंट्रीज आर नॉट द मेंबर्स ऑफ EFTA, कौन से कंट्री इसके मेंबर नहीं है? जब तक ये आर्टिकल नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं पता चलेगा. और ये जनरली इस तरह की जो हिडन चीजें हैं, छुपे हुए हैं क्वेश्चन, ये मैं निकाल के लाता हूँ. UK, नीदरलैंड आर नॉट द मेंबर ऑफ EFTA. अब ये नॉर्डिक कंट्री का रोजाना जिक्र आता है न्यूज पेपर में. जब आप वर्ल्ड न्यूज पढ़ोगे ना, इंडियन एक्सप्रेस की और हिंदू में, नॉर्डिक कंट्री कई बार आता है. कौन से कंट्री नॉर्डिक? इसमें ये यूरोपियन कंट्री है. नॉर्डिक कंट्री जैसे डेनमार्क है, नॉर्वे है, आयरलैंड है, ये कई कंट्री है ऐसे, लेकिन स्विट्जरलैंड नहीं है. तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से नॉर्डिक कंट्री है. देन ये देखिए फिर, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज ए बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद इंडिया, किसके साथ है ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज विद 4 यूरोपियन कंट्री ऑफ EFTA. और वो कौन से कंट्री हैं वो आपको यू हैव टू क्रैम. ऐसा क्वेश्चन 99% बच्चे नहीं कर पाते. आईलैंड, लिचनस्टिन, ये भी एक कंट्री का नाम है. नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, दीज आर द 4 कंट्रीज EFTA के जो मेंबर हैं, यूरोप के हैं. ये प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा स्कीम को लागू किया है 2023 में. अब ये विश्वकर्मा स्कीम का मैंने प्रिलिमरी का भी क्वेश्चन बनाया, मेन का भी बनाया है. आपको हर एंगल से पता होना चाहिए. ये 2023 की स्कीम है, इसका आने के 100% स्कोप है. आपके प्रिलिमरी भी आए, मेन भी आएगा. देखिए क्वेश्चन देखिए इसमें, कौन सी मिनिस्ट्री ने ये जो है इंप्लीमेंट करेंगी? इसमें 3 मिनिस्ट्री है, मेन है इसमें. नोडल जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ये तो नोडल मिनिस्ट्री है. देन 3 मिनिस्ट्री MSME, देन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. 3 मिनिस्ट्रीज को ज्वाइंटली इंप्लीमेंट करेंगे स्कीम को, ये आपको पता होना चाहिए. देन इट इज बेसिकली स्किल अप ग्रेड फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कीम टू आर्टिसन क्राफ्टिस्ट, में क्रेडिट भी दिया जाएगा और डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी फाइनेंस की. तो 18 ट्रेड इसमें लिए गए, 18 ट्रेड्स जो ट्रेडिशनल है, जैसे मान लिया सुनार का है, लोहार का है, कुम्हार का है, जो हमारे ट्रेडिशनल गाँव में थे वो ट्रेड इसमें लिए गए हैं, 18 है. देन इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सेंट्रल सेक्टर स्कीम समझिए आप क्या होती है, 100% फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम,
उसमें जैसे 75-25 जनरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का है, तो वो 60-40 हो जाता है, 60 सेंटर देगा, 40 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देंगे, या ट्राइबल कोई स्टेट है तो वो है सेंट्रल सेक्टर, जिसमें दोनों का है, सेंटर का भी है स्टेट का भी है। बट इन सेंट्रल सेक्टर स्कीम ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फाइनेंस दिस स्कीम। अब ये ऐसे आ जाते छोटी छोटी न्यूज, ये कोई नहीं निकालता इंडिया में, ये ऐसे जो है क्वेश्चन इस तरह की न्यूज में से तो कोई निकालता ही नहीं, बहुत दूर रहते हैं। पेट्रियोट ओनली ये टर्म है, फर्स्ट पेट्रियोट ओनली, ये एक इनकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का वो है फर्स्ट पेट्रियोट, तो उसका इलेक्शन हो रहा है हांगकॉन्ग में, इस तरह से क्वेश्चन भी निकालते हैं। अब ये रोजाना इस पे न्यूज आते हैं, फिलिपाइन और साउथ चाइना सी, चाइना का जो डिस्प्यूट है रोजाना ऑलमोस्ट, तो इसमें जितने आपके डिस्प्यूटेड आइलैंड है, चाहे वो ताइवान से है, फिलिपाइन से है, इंडोनेशिया जिसके भी है, मलेशिया से, वो सारे आपको पता होना चाहिए, आप मैप में देखने हैं वो, मैप में जाके। अब इसमें सेकंड थॉमस शॉल है, सेकंड थॉमस शॉल, इसका एक नाम और है बाई चांस, ये पूछ लें अंगिन शॉल कहाँ पे है, ये साउथ चाइना सी में, सेम नाम है दोनों का, और ये चाइना और फिलिपाइन के बीच में डिस्प्यूटेड है, तो ये और स्पार्टली आइलैंड में है, ये आइलैंड दे देंगे आपको साउथ चाइना सी के चारों, वो आपने उसमें छांटना है। दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये 75 साल हो गए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, यूएन के 75 ईयर जिसके हो जाते हैं, 100 ईयर होते हैं, उससे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में जनरली, तो आप ये क्वेश्चन देखिए मैंने निकाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व एट ग्लोबल लेवल एवरी ईयर ऑन दिसंबर 10th, ये आपने याद रखना है। देन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज अडोप्टेड बाई यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन पेरिस, पेरिस में है ये, नॉट इन न्यूयॉर्क, पेरिस में, ऑन दिसंबर 10th 1948। तो ये ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है, दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन निकाला है मैंने, ओरिजिनली बनाया इसको। अब ये ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर 2, ये आप देखोगे आज न्यूज पेपर, जल्दी से आपको मिलेगा नहीं, यू टू सर्च ए लॉट, थोरली न्यूज पेपर के बाद भी नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला ये क्वेश्चन। इज द ऑपरेशन अगेंस्ट डिफरेंट फ्रॉड्स, क्राइम, साइबर क्राइम, ये ग्लोबल लेवल पे लॉन्च किया है, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया की कई एजेंसीज, दैट इज लॉन्च बाई इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस। अब ये एक मैं रोजाना कोई ना कोई आर्टिकल, कोई आईपीसी का सेक्शन, कोई अमेंडमेंट पॉलिटी से जो न्यूज़पेपर में रोजाना डिस्कस होते हैं वो लेके आता हूँ। अब ये 105 का 2 है, जब से वेस्ट बंगाल की जो एमपी है लोकसभा की, उसको डिसमिस किया है लोकसभा से एथिक्स कमेटी की रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट ने, तब से ये आर्टिकल आ रहे हैं, एथिक्स कमेटी का भी मैंने दिया है, इसमें ये है पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है, ये इस आर्टिकल में दिया है कि वो भी पार्लियामेंट में स्पीच दे सकता है, कोई क्रिमिनल उस पर केस नहीं बन सकता, कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, इस तरह का आपने पढ़ना है पॉलिटी से, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी से। अब ये साइंस का लास्ट में पेज आता है हिंदू में, 6 दिन तो लास्ट में आएगा, आखिरी पेज होता है, और संडे को आएगा ये पूरा पेज, वेरी गुड पेज, इसमें कोई ना कोई मुझे एक क्वेश्चन मिल जाता है क्वेश्चन बैंक का, तो आज मुझे मिल गया पिना नोबिलिस, इसका क्वेश्चन देखिए पिना नोबिलिस क्या है। अब इन विद रेफरेंस टू नोबल पेन शेल, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पिना नोबिलिस है, जो तो ये है एक मोलुस्क एनिमल है, तो स्टेटमेंट वन देखिए, इट इज ए सी शेल एनिमल फाउंड इन क्रोशिया, क्रोशिया क्या है, ये यूरोपियन कंट्री है, ये भी आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, एड्रियाटिक सी के बिल्कुल कोने पे है, आप देखोगे ना बिल्कुल, और उसके साथ जो है एड्रियाटिक सी के साथ मेडिटेरियन सी है, मैप में देखना इसको एक बार जाके। देन दिस एनिमल प्लेज एक इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल रोल बाई फिल्टरिंग सी वाटर, ये सी वाटर को फिल्टर करता है, साफ करता है, कितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। अब ये मैंने एक मेन का क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन देखिए हम कैसे बनाते हैं एग्जामिनर, इनडायरेक्टली बनाते हैं, व्हाट मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन टू अपग्रेड एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्किल ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल एमिड ए चेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप, हमारी जो ओल्ड क्राफ्ट्स हैं, आर्टिसंस हमारे लगे हुए हैं गाँव में, शहरों में, उनकी मॉडर्नाइजेशन करनी है, अपग्रेड करना है स्किल को, और उसके मॉडर्न इक्विपमेंट्स दे के, ये सारा इसको इंडायरेक्टली पूछ लिया, विश्वकर्मा स्कीम यदि इसमें आप नहीं लिखेंगे, पुराने किताबों से लिखेंगे आपके नंबर 10 में से आएंगे एक या दो, एग्जामिनर पूछना चाह रहा है मेन विश्वकर्मा स्कीम के बारे में इंडायरेक्टली, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर ऐसे बनाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ 7-8 घंटे रोजाना, 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब, एनालिसिस का मतलब, पहली बार में मेरे 4-5 क्वेश्चन मुश्किल से निकलते हैं, इसको इतना थोरली पढ़ता हूँ मैं 3 घंटे,
इसलिए पढ़ता हूं कि आपका समय जो है 2 घंटे कम से कम रोजाना बचे। जो सर्विस में है या बिल्कुल थोड़ा समय है जिनके पास, आधा घंटा दे सकते हैं न्यूज पेपर, उनके लिए मैं ये इंपॉर्टेंट न्यूज और सारे के सारे प्रिलिमिनरी क्वेश्चन निकाल के लाता हूँ। यदि फिर भी आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन रह गया, तो आप इमीजिएटली कमेंट बॉक्स में डालिए और आपके सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और आप क्या चाहते हैं, स्टैटिक मैंने शुरू कर दिया एनवायरमेंट का सीरीज, धीरे धीरे इसी तरह से स्टैटिक भी मैं जो ना क्वेश्चन ऐसे निकाल के लाऊंगा जो आपको नहीं आते और यूपीएससी एग्जामिनर को पता है वो। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।